प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जो मौलिक अधिकार है, जो व्यक्ति विशेष का अधिकार है, वो सांवैधानिक अधिकार से थोड़ा सा अलग है। इसके लिए आपको कोई न्यायिक प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता, उसके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करके आप अपने अधिकारों, मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। ये मौलिक अधिकार हमारे संविधान में 6 हैं, जिनके सब क्लॉज भी हैं, सब आर्टिकल्स हैं, जो कि 13 बनाए जाते हैं, कुल मिला के 13 हैं। परंतु ये जो मौलिक अधिकार हैं, उनकी अवधारणा प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित है। सर्वप्रथम ब्रिटिश दार्शनिक हॉब्स ने प्राकृतिक अधिकारों की विवेचना की, उसकी व्याख्या की। उनके अनुसार जिस समय एक व्यक्ति, एक मनुष्य मानव जाति में जन्म लेता है, तो वह स्वतः ही प्राकृतिक अधिकारों को ग्रहण करता है। ये तीन प्राकृतिक अधिकार तीन हैं, जिसमें है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम और लिबर्टी, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है, और राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि संपत्ति का अधिकार है। ये तीन प्राकृतिक अधिकार हैं। जैसे ही मानव जन्म लेता है, या तो उसे प्रकृति या ईश्वर द्वारा माना जाता है कि वो इन तीन अधिकारों का अधिकारी हो गया है। पर जब हम इतिहास को देखते हैं, तो कई समाजों, कई देशों में हम देखते हैं कि हमारे प्राकृतिक अधिकार भी सुरक्षित नहीं है। हमने देखा कि उनका भी हनन किया जाए, चाहे वो व्यक्ति का व्यक्ति विशेष से, या देशों द्वारा, उनकी सरकारों द्वारा, या राजाओं द्वारा। तो हम देखते हैं कि अफ्रीका में दासता की प्रथा थी, यूरोप में रंगभेद की नीति थी, और भारत के संदर्भ में हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था है। इन तीनों आधार पर हम देखते हैं कि हमें ना तो प्राकृतिक अपने अधिकारों की रक्षा हम कर सकते हैं। तो जैसे ही देश जब स्वतंत्र हुआ, तो सबसे पहले बाबा साहब के सामने एक जो चुनौती थी, वो चुनौती थी कि मौलिक अधिकारों को कैसे लाया जाए और कैसे बनाया जाए। उसके संबंध में उन्होंने अमेरिका के संविधान को अपने संदर्भ में रखते हुए जो हमारे भारत देश की अवस्था है, उसको ध्यान में रखते हुए मौलिक अधिकारों की गणना। तो सबसे पहले जो एडवाइजरी कमेटी के सामने चुनौती थी, वो चुनौती थी कि हम अधिकारों को कैसे वर्गीकरण करें। तो बात करते करते ये आया कि अधिकार दो वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं। पहला है जस्टिसिएबल और दूसरा है नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि न्याय और अन्याय। न्यायिक अधिकार वो हैं जो कोर्ट के द्वारा या कोर्ट के माध्यम से लागू किए जा सकते हैं, और ये जो न्यायिक अधिकार हैं, वो व्यक्ति के विकास, उसकी रक्षा और उसके जीवन नियमन का आधार है। और यही मौलिक अधिकार इस देश की आशा और आकांक्षाओं की आधारशिला बने। इसके साथ ही इन मौलिक अधिकारों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना था कि किस प्रकार हम मनुष्य को सबसे ज़्यादा, या व्यक्ति या देशवासियों को सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान कर सके। इसके संबंध में सबसे पहले राइट टू फ्रीडम की अवधारणा आई। राइट टू फ्रीडम में दिवाकर ठाकुर ने अपनी बात रखते हुए कहा कि किसी देश की स्वतंत्रता उसके समाजों की स्वतंत्रता से मानी जाती है, कि समाज कितने स्वतंत्र हैं, और समाज की स्वतंत्रता इस आधार पर होती है कि उसमें कोई अनटूवर्ड एक्टिविटी ना हो। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम स्वतंत्रता को देना चाहते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार अपने देशवासियों को देना चाहते हैं, पर उसके साथ उन अधिकारों को हमें सीमित करना पड़ेगा, उसके साथ हमें कुछ निषेधों को जोड़ना पड़ेगा, और तभी हम अपने देशवासियों को असली मायनों में स्वतंत्रता प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ ही इसी तरीके से राइट टू मूवमेंट, राइट टू प्रोफेशन इसके साथ जोड़ा गया। इसके बाद जो दूसरी चीज़ थी, वो थी संविधान में हर शब्द की अपनी एक महत्ता है, एक महत्व है। वहाँ नागरिकता का, नागरिकता सिटीजन का जो शब्द है, उसे व्यक्ति पर्सन के शब्द से बदला गया। यह इसलिए किया गया क्योंकि
उसके साथ भेदभाव ना किया जा सके, क्योंकि जो कानून है वो सभी के लिए बराबर है। इसी के साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी आया। जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आया, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो ये एक बहुत ही विवादित बात थी, क्योंकि एक्सप्रेशन तो कई आधारों पे निर्भर करती है, चाहे वो आपकी जाति हो, चाहे आपकी भाषा हो, चाहे आपका धर्म हो। तो इसलिए डॉक्टर बाबा साहब ने ये कहा कि कोई भी पब्लिकेशन या कोई भी भाषण अगर सेडिशन है, ऑब्सीन है, या उसमें कोई आपत्तिजनक बात की गई है, तो वो इस दायरे में, इस अधिकार के दायरे से परे है। इस तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक मौलिक अधिकार के रूप में लाया गया। इसी तरह जब राइट टू इक्वलिटी की बात आई, तो वहाँ सबसे बड़ी जो बात थी, चुनौतीपूर्ण, वो थी छुआछूत। कि छुआछूत को कैसे संविधान में, उसको कैसे उसका निराकरण किया जाए। संविधान में अधिकार के तौर पे, नियम के तौर पे हम छुआछूत का निराकरण कर सकते हैं। तभी मिस्टर राजन ठाकुर ने कहा कि ये जो अवस्था है छुआछूत की हमारे देश में, वो जाति जन्य है, और ये जाति का ही निष्कर्ष है, जाति व्यवस्था का ही निष्कर्ष छुआछूत है। तो यदि हम छुआछूत का निराकरण करते हैं, तो हम किसी रोग के सिम्टम का निराकरण करेंगे, ना कि रोग का। इसलिए अगर हमें छुआछूत को समाप्त करना है, तो हमें उसके रोग, उसकी रोग नामक चीज जो कि जाति व्यवस्था है, उसका निराकरण करना होगा। इसीलिए राइट टू इक्वालिटी में अनटचेबिलिटी का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 17 को लाया गया, और जिसके अनुसार छुआछूत को अबॉलिश किया गया। पर हम देखते हैं वर्तमान संदर्भ में कि अभी भी छुआछूत का निराकरण नहीं हुआ है। निराकरण इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जाति व्यवस्था का निराकरण नहीं हुआ है। पूरी तरह से रोग अभी समाप्त नहीं हुआ है, जबकि इस रोग की और व्याधियाँ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इस रोग से ही लोगों की राजनीति चल रही है। परंतु जब तक जाति व्यवस्था नहीं जाएगी, छुआछूत नहीं जाएगा, और जब तक छुआछूत नहीं जाएगा, इस देश में हर व्यक्ति एक दूसरे के समान नहीं हो सकता। इसी तरीके से आगे बात करते हुए, सबसे बड़ा जो विजनरी राइट दिया गया, वो था फ्रीडम ऑफ प्रेस। प्रेस को जो स्वतंत्रता दी गई, वो बहुत बड़ी चीज़ थी, वो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि यह माना गया कि अगर प्रेस स्वतंत्र नहीं होगा, तो जो लोकतंत्र है वो स्वतंत्र नहीं होगा, क्योंकि प्रेस ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हमारे जो विचार हैं वो उत्पन्न होते हैं। इसीलिए प्रेस की फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, और वो 60 साल पहले एडवाइजरी कमेटी के लोगों ने समझ लिया था बाबा साहेब के सानिध्य में कि फ्रीडम ऑफ प्रेस कितना ज़रूरी है, जिसको हम देखते हैं कि आज उस अधिकार को किस तरह से गलत रूप में यूज़ किया जा रहा है, उस फ्रीडम को एक गोदी मीडिया के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इस चलन को रोकना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहूँगी कि जब भी अधिकारों की बात आती है, तो अधिकार जो बाबा साहेब ने कहा था कि जो लेजिस्लेचर है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो न्यायपालिका है, उसकी जिम्मेवारी सिर्फ अधिकार देना ही नहीं है, पर उसकी रक्षा करना भी है। इसीलिए उनको यह डर था कि हो सकता है कि कभी कोई सरकारें ऐसी आए जो कि अपने मौलिक अधिकार, जो व्यक्तियों के मौलिक अधिकार हैं, जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं, उनको वापस ले सके। इसलिए उन्होंने आर्टिकल 368 की उससे सुनिश्चित किया कि किसी भी फॉर्म में हमारे मौलिक अधिकार, चाहे कोई भी इमरजेंसी हो, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को नहीं दिया जा सके। तो इसी तरह ये जो
हमारे मौलिक अधिकार है, क्योंकि हमारे पास मौलिक अधिकारों, हमारे संवैधानिक अधिकारों की हमें ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब तक इनके ज्ञान नहीं होगा तब तक हम पूरी तरह से इनको ले नहीं सकेंगे। जैसा कि भी आपने इंस्टेंस सुना होगा कि शादी में घोड़े के ऊपर बारात नहीं ले जाने थी, बाद में जब कोर्ट को अपील की और कोर्ट में जब मौलिक अधिकारों की बात हुई, संवैधानिक अधिकारों की बात हुई, तो कोर्ट ने उसे उस चीज़ को करने का मौका दिया और उस चीज़ को दूसरी जातियों को मानना भी पड़ा। तो इस तरीके से हम संवैधानिक या न्याय प्रक्रिया से अपनी सामाजिक एकता या सामाजिक बराबरी को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अधिकारों के प्रति ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जो आखिरी बात मैं कहना चाहूँगी कि जो बाबा साहेब ने हमें मौलिक अधिकार दिए या जो संवैधानिक अधिकार दिए, उसकी प्रस्तावना जो है लिबर्टी, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी एंड सेक्युलरिज्म, ये सेम अवधारणा बुद्ध धर्म की भी। बुद्ध धर्म भी सभी मनुष्य को समान मानता है, तभी मां छुआछूत जाति जैसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है, और वो भी बंधनत्व, भ्रातृत्व और कंपैशन में, करुणा में विश्वास रखता है। इसीलिए जो एकमात्र धर्म है वो बौद्ध धर्म है, जो कि हमारी संवैधानिक परिकल्पना को पूरी तरह साकार करने की योग्यता रखता है। इसीलिए मैं ये कहूँगी कि जो राइट शब्द है, जो राइट शब्द है, उसके लिए बुद्ध धर्म में पाली शब्द दिया गया है, जो कि यूजु है, यानी जो पाली की भाषा जानते हैं उनको ज़्यादा पता होगा, यू जे जे यू, उसका अर्थ है स्ट्रेट, उसका अर्थ है फॉरवर्ड, उसका अर्थ है ऑनेस्ट। इस वर्ड के समक्ष में संस्कृत भाषा में कोई भी वर्ड नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में समानता का कोई अधिकार नहीं है, समानता की कोई सिद्धांत नहीं है। इसीलिए जो बौद्ध धर्म है वो एक तरीके से एक साइंटिफिक धर्म है, जो ना सिर्फ न्याय प्रक्रिया को फॉलो करता है, बेसिकली वो हमारे हर आकांक्षा को पूरा करने का धर्म है। इसीलिए मैं ये कहूँगी कि धर्म में ये कहा है, वॉट इज वन टू डू, इट इज़ नॉट ओनली वॉट वन इज टू डू, बट वॉट वन इज टू है। सो इन दिस सेंस कि धर्म ये नहीं, ये भी बताता है कि आपको क्या करना है, और ये भी बताता है कि आपके क्या अधिकार हैं। तो ये हम पंचशील से या अष्टांग मार्ग से भी हम जान सकते हैं कि हमारे ड्यूटीज, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे राइट्स किस तरीके से होने चाहिए। इसके साथ ही मैं ये कहूँगी कि जो मौलिक अधिकार हैं वो एकमात्र ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति व समाज की ग्रोथ और डेवलपमेंट को सुनिश्चित कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसे संवैधानिक अधिकार नहीं है जो व्यक्ति विशेष की ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टैब्लिश कर सके। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स आर द कॉर्नर स्टोन इन विच द सिविल सोसाइटी इज स्टैब्लिश्ड, ये कहा गया है, और इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने अधिकारों के प्रति ना सिर्फ ज्ञान करें, उनके लिए उन्हें सुनिश्चित करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।